देश स्वतंत्र हुआ तो केवल मदरसों की वजह से हुआ। आप वहाँ पर इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा त्याग और बलिदान रहा है तो मुसलमानों का रहा है। आज जो तिरंगा की बात करते हैं वो लोग बात करते हैं जिन्होंने 70 वर्ष में अपने हेड ऑफिस पर कभी भी तिरंगा नहीं फहराया। ये देश न गीता से चलेगा न रामायण से चलेगा, ये देश न किसी धर्म ग्रंथ से चलेगा। जब ये देश चलेगा तो केवल संविधान से चलेगा। मद्रासा, मस्जिद, श्मशान, कब्रस्तान, गिरजा, गुरुद्वारा আরো বিভিন্ন যে ধর্মস্থান রয়েছে, ধর্মস্থানগুলোকে রাজনীতি হাতিয়ার বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। যে কোনো জায়গায় নেতারা হরমোনা ব্যবহার করলে তাদের যেন সেই সভা সেই কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে এমন ভুল প্রচার করা হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে যে মাদ্রাসায় জঙ্গি আতঙ্কবাদী ছাড়া আর কিছু তৈরি হয় না। কিন্তু বাস্তব হলো কোনো মাদ্রাসায় জঙ্গি আতঙ্কবাদী তৈরি হয় না, মাদ্রাসাগুলোতে মানুষ তৈরি করা হয়। এখনো পর্যন্ত মাদ্রাসা নিয়ে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে কোনো রকমভাবে সঠিক তথ্য এখনো পর্যন্ত কিন্তু তারা পেশ করতে পারেনি। অরিজিনাল যেখানে অস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, বোম বানানো হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে কিন্তু খুব একটা আমাদের দেশে আলোচনা হচ্ছে না। মাদ্রাসা নিয়ে ধর্মগুরুরা কিন্তু মুখ খুলেছে। আপনাদেরকে যে ভিডিওটি আমি দেখাতে চলেছি, বৌদ্ধ ধর্মগুরু তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে মাদ্রাসা নিয়ে যে আপনি কি বলবেন, তিনি যে কথাটি বলেছেন আপনারা ভিডিওটি দেখুন। उसमें आतंकी शिक्षा दी जाती है और जो सरस्वती मंदिर खुले हैं उसमें क्या भाईचारे की शिक्षा दी जाती है? आरएसएस की जो शाखा सुबह लगती है उसमें क्या भाईचारे की शिक्षा दी जाती है? ये देश स्वतंत्र हुआ तो केवल मदरसों की वजह से हुआ। आप देख लीजिए, आप वहाँ पर इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा त्याग और बलिदान रहा है तो मुसलमानों का रहा है। नंबर एक पर सबसे ज्यादा शहादत दी है तो मुसलमानों ने दी है, ईसाइयों ने दिया है। और आज जो तिरंगा की बात करते हैं, आज घर का तिरंगा की बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं जिन्होंने 70 वर्ष में अपने हेड ऑफिस पर कभी भी तिरंगा नहीं फहराया और अभी भी तिरंगा लगा रहे हैं तो तिरंगा के ऊपर भगवा लगा रहे हैं। अरे हमारा सबसे बड़ा जो गौरव है वो हमारा तिरंगा है, सबसे बड़ा गौरव है यहाँ का संविधान है। ये देश न गीता से चलेगा न रामायण से चलेगा, ये देश न किसी धर्म ग्रंथ से चलेगा। जब ये देश चलेगा तो केवल संविधान से चलेगा। मंदिर में जाने से आदमी भिखारी बनेगा और कावल लाने से आदमी नशेड़ी बनेगा और अंधविश्वास होगा वो कहीं भी लुढ़क जाएगा। मुजफ्फरनगर में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ वो आपने सद्भावना देख ली होगी। जितेंद्र मेघवाल के साथ तो इतना पहलवान आदमी उसको तलवार से काट दिया, आपने सद्भावना देख ली होगी। इंद्रपाद मेघवाल के साथ जो 9 वर्ष का बच्चा था उसके साथ आप सद्भावना देख ली होगी। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार किया, उसके मिलने नहीं दिया, रात में ही जला दिया, आपने सद्भावना देख ली होगी। और सद्भावना की पूरी गारंटी, भ्रातृत्व भाव की गारंटी, धर्म उपेक्षता की गारंटी, हर एक आदमी अपने तरीके से अपनी अपनी पूजा अपनी अपनी इबादत अपनी अपनी इबादत कर सकता है, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं करने देते हैं। भारत जो है धर्म उपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक ही धर्म की ज्यादा उसको बढ़ावा दिया जाता है, एक ही धर्म के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, एक ही धर्म के लोगों को उनको पूजा पाठ करने की इजाजत होती है। लेकिन बिल आए, लेकिन भारत सरकार एक बिल नहीं ला सकी कि यहाँ पर जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था। धर्मगुरुर कथागुलो सुनले वास्तव कथा हलो एटा सम्पूर्ण राजनीति। নেতা এখন ধর্মকে হাতিয়ার করতে চাইছে, ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনীতিকে চমকানো সব থেকে ভালো পদ্ধতি এই পন্থা অবলম্বন করছে। এই যে এত বছর আমাদের দেশ ভারত দেশের কিছু দল কিছু রাজনীতি পার্টি তারা অনেক হিন্দু মুসলমান করেছে, অনেক মন্দির মসজিদ শ্মশান কবরস্থান করেছে, আসলে দেশের মানুষের বিশেষ করে হিন্দু ভাই বোনেদের কি উপকার হয়েছে, তাদের কি লাভ হয়েছে, চোখে কিন্তু এই ধরনের ছবি এখনো ধরা পড়েনি। যদি আপনাদের চোখে এই ধরনের কোনো ছবি ধরা পড়ে
हिंदू मुसलमान राजनीति करे हिंदू भाई बुने लगे कमेंट अवश्य जानाबे भिडियोटी आपनारा शेयर करुन हिंदू मुसलमान सम्प्रीति एकता सकले बजाय रखबे मुस्कानीमूलक बक्तव्य कान देवें ना दांगाय पा देवें ना सकले भालो थाकुन सुस्थ थाकुन सुरक्षित थाकुन जय हिंद जय सोनार बांग्ला।